हे गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस टाइप का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं सिर्फ एक मिनट के अंदर में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपका वीडियो ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप उस वीडियो को डाउनलोड करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप इस टाइप का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कल न्यू ईयर है, तो एक दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये वीडियो आज ही बना लो और अपने स्टेटस में लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी जो एप्लीकेशन मैं यूज करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीटा ऐप डाउनलोड लिंक, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीटा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए यानी इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से जाना है और आपको एक लिंक और दिखेगा, तो आप उस टेम्पलेट वाले लिंक में क्लिक करके, जब आप उस टेम्पलेट वाले लिंक में क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो आप क्रोम में क्लिक कीजिए और क्रोम में क्लिक करने के बाद जो है एक इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और इस टाइप का पेज आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट नाउ, तो आपको क्रिएट नाउ में क्लिक करना है और क्रिएट नाउ में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ऐसा पेज आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यूज नाउ का, तो आपको यूज नाउ में क्लिक करना है और यूज नाउ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो में है अभी, तो आपको इमेज में आना है और इमेज में आने के बाद आपको अपना इमेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ पर तीन फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप इस एरो के बटन में क्लिक कर दीजिए और एरो के बटन में क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका वीडियो बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब इस वीडियो को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट के बटन में क्लिक करना है और सेविंग वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव होने के बाद आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने स्टोरी में लगा सकते हैं। सो गाइस, यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए